प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, मैं डॉक्टर फरहीन सैयद, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय हाई स्कूल पलसोड़ा, जिला उज्जैन, सामाजिक विज्ञान विषय की आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक के अध्याय 6 प्राकृतिक आपदा एवं आपदा प्रबंधन नामक अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले की कक्षा में हमने इस अध्याय के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघुत्तरी प्रश्न, लघुत्तरी प्रश्न और कुछ दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को हल किया था। आज की कक्षा में हम शेष रह गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों में पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न का पहला प्रश्न दिया हुआ है, भोपाल में रासायनिक गैस का रिसाव हुआ था। विकल्प एक दिसंबर 1984, दूसरा विकल्प दिसंबर 1987, तीसरा विकल्प दिसंबर 1988 और चौथा विकल्प दिसंबर 1990 दिया हुआ है। जैसा कि हमने पाठ जब पढ़ा था तब हमने देखा था कि भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक विषैली गैस का रिसाव दिसंबर 1984 में हुआ था। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प एक दिसंबर 1984 है। अगला प्रश्न मानव जनित आपदा है। विकल्प एक सूखा, विकल्प दो बाढ़, तीसरा भूस्खलन और चौथा सड़क दुर्घटना। यहाँ पर मानवजनित आपदा सड़क दुर्घटना है, अतः चौथा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में जैविक आपदा है। पहला बम विस्फोट, दूसरा बर्ड फ्लू, तीसरा ज्वालामुखी और चौथा सुनामी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प दो बर्ड फ्लू। चौथा प्रश्न आपदा प्रबंध पर संगोष्ठी हुई थी। विकल्प एक यूएसए शिकागो में, विकल्प दो जापान याकोहोमा में, विकल्प तीन भारत नई दिल्ली में और विकल्प चार सिंगापुर में। इस प्रश्न का सही उत्तर है जापान याकोहोमा में। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला रिक्त स्थान है आपदा के कारण जीवन तथा संपत्ति की बड़े रिक्त स्थान होती है। यहाँ पर हम लिखेंगे पैमाने पर हानि। दूसरा भारत में तटीय रिक्त स्थान सर्वाधिक चक्रवात संभावित क्षेत्रों में से एक है। जैसा कि हम जानते हैं भारत में जो उड़ीसा का तट है वह सर्वाधिक चक्रवात वाला क्षेत्र है, अतः हम यहाँ रिक्त स्थान में उड़ीसा लिखेंगे। अगला रिक्त स्थान विश्व के समुद्र तटीय क्षेत्र रिक्त स्थान के प्रभाव क्षेत्र हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे सुनामी आपदा। चौथा रिक्त स्थान नदी के अतिरिक्त जल का आसपास की भूमि पर फैल जाना रिक्त स्थान कहलाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि नदी के जल का आसपास की भूमि में फैल जाना बाढ़ कहलाता है, इसलिए हम यहाँ पर बाढ़ लिखेंगे। अगला प्रश्न है सत्य असत्य बताइए। पहला है आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान को आपदा प्रबंधन के द्वारा कम किया जा सकता है। इस प्रश्न का उत्तर आएगा सत्य। प्रश्न दूसरा खतरा बराबर संकट गुणित क्षमता बटा असुरक्षा। इसका उत्तर आएगा असत्य। अगला प्रश्न है राजस्थान के शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र जिनमें दो वर्ष में सूखा पड़ता है। यहाँ पर उत्तर आएगा सत्य। अगला जो सत्य असत्य है औद्योगिक व रासायनिक आपदाएं मानव प्रदत्त आपदाएं हैं, सत्य। अगला प्रश्न है जोड़ी मिलाइए। जोड़ी मिलाने के लिए हमें अ और ब दो कॉलम दिए हुए हैं। अ की तरफ लिखा हुआ है एक नंबर पर मिट्टी का गुरुत्व बल से गति करना, दूसरे नंबर पे वह क्षेत्र जहाँ लगातार बाढ़ आती है, तीसरा दिया हुआ है भूमि की गतियाँ, चौथा प्रबंधन तैयारी, पांचवा चक्रवात के सबसे अधिक असुरक्षित क्षेत्र। ब की तरफ हमारे विकल्प दिए हुए हैं क तटीय क्षेत्र, ख भूकंप, ग आपदा की पहले से तैयारी, घ भूस्खलन और ड जल प्लावित मैदान। इन विकल्पों का हमें सही मिलान करना है। तो पहला जो हमारा विकल्प दिया हुआ है मिट्टी का गुरुत्व बल से गति करना, इसे हम घ से मिलाएंगे जो कि भूस्खलन है। दूसरा जो दिया हुआ है वह क्षेत्र जहां लगातार बाढ़ आती है, उसे हम जल प्लावित मैदान से मिलाएंगे ड से। तीसरा भूमि की गतियाँ, भूमि की गतियों को हम ख भूकंप से मिलाएंगे। चौथा विकल्प दिया हुआ है प्रबंधन की तैयारी, इसे हम ग आपदा की पहले से तैयारी से मिलाएंगे। और पांचवा जो विकल्प हमें दिया हुआ है चक्रवात के सबसे अधिक असुरक्षित क्षेत्र,
उसे हम क तटीय क्षेत्र से मिलान करेंगे। सही जोड़ी मिलाने के पश्चात एक शब्द या वाक्य में उत्तर देना है, जिसमें पहला प्रश्न है, 29 अक्टूबर 1999 को एक भीषण चक्रवात भारत के किस राज्य में आया था। इसका सही उत्तर है उड़ीसा। अगला प्रश्न है, देश में सर्वाधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र कौन सा है। जैसा कि हम जानते हैं कच्छ जो है भारत में सर्वाधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कच्छ। अगला प्रश्न है, प्रदूषण, आग, गैस तथा अन्य रासायनिक पदार्थ का रिसना किस प्रकार का संकट है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये सारे संकट मानवकृत आपदाएं हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मानवकृत संकट। अगला प्रश्न, 2004 में सुनामी का अधिकेंद्र कहाँ था। इसका उत्तर है सुमात्रा, इंडोनेशिया। अगला प्रश्न, भारत में 26 दिसंबर 2004 को आई सुनामी से कितने लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा था। इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे 3 लाख से अधिक। बहुविकल्पीय प्रश्नों के पश्चात आइए हम अति लघु उत्तरी प्रश्नों को हल करते हैं। पहला लघु उत्तरी प्रश्न है, भूस्खलन क्या है। इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे, गुरुत्वाकर्षण या अन्य कोई प्राकृतिक या मानवीय कारकों के प्रभावी होने के कारण शेलों के मलबे का तेजी से ढलानों पर से नीचे की ओर खिसकना भूस्खलन कहलाता है। दूसरा प्रश्न है, बाढ़ की पूर्व सूचना तथा चेतावनी कैसे दी जाती है। इसका उत्तर हम लिखेंगे, बाढ़ की पूर्व सूचना तथा चेतावनी केंद्रीय जल आयोग द्वारा दी जाती है। देश भर में 132 केंद्र बाढ़ की पूर्व सूचना तथा चेतावनी देते हैं। इन केंद्रों से वर्ष भर में 6000 से अधिक घोषणाएं की जाती हैं। अगला प्रश्न है, बाढ़ों के उत्पन्न होने के प्रकार बताइए। इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे, बाढ़ें धीरे धीरे आती हैं। बाढ़ों के आने में घंटों का समय लगता है। भारी वर्षा, बांधों के टूटने, चक्रवात तथा समुद्री तूफान आदि के कारण बाढ़ें अचानक भी आती हैं। अगला प्रश्न है, ज्वार किस प्रकार सुनामी लहर उत्पन्न करते हैं। इसका उत्तर हम इस तरह लिखेंगे, यह अनुभव किया गया है कि ज्वार विवर्तनिक प्लेट पर दबाव डालते हैं जो कि प्लेट में हलचल उत्पन्न करता है, परिणाम स्वरूप भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, इनसे सुनामी उत्पन्न हो जाते हैं। अगला प्रश्न है लघुत्तरी प्रश्न। लघुत्तरी प्रश्न में पहला प्रश्न है, आपदा के प्रभाव बताइए। इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे, आपदा के प्रभाव निम्नलिखित हैं। पहला, आपदा समाज की सामान्य कार्य प्रणाली को बाधित करती है, इससे बहुत बड़ी संख्या में लोग प्रभावित होते हैं। दूसरा, आपदा के कारण जीवन तथा संपत्ति की बड़ी पैमाने पर हानि होती है। तीसरा, आपदा समुदाय को प्रभावित करती है जिससे क्षतिपूर्ति के लिए बाहरी सहायता की आवश्यकता होती है। चौथा, सभी आपदाओं जैसे भूकंप, बाढ़, चक्रवात, सूखा, भूस्खलन, आग, महामारी आदि के अपने विशिष्ट प्रभाव होते हैं। अगला प्रश्न है, आपदाएं मानव जाति एवं पर्यावरण के लिए खतरा है, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर हम लिखेंगे, आपदाएं मानव जाति एवं पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा है। क्षति पहुंचाने की क्षमता के माप को खतरा कहते हैं। अत्यधिक असुरक्षा एवं संकट बड़े खतरे वाली आपदा से जुड़े होते हैं। यदि असुरक्षा या संकट बहुत कम है तो आपदा का खतरा भी बहुत कम होता है। संकट और असुरक्षा से आपदा का खतरा उत्पन्न होता है, जैसे मृत्यु होना, चोट लगना, संपत्ति का नुकसान होना, आजीविका में कठिनाई उत्पन्न होना, आर्थिक गतिविधियों में बाधा आना या वातावरण को क्षति पहुंचाना। आपदाएं कठिनाई उत्पन्न करती हैं, विकास से प्राप्त लाभों को हानि पहुंचाती हैं और हम विकास के क्षेत्र में कई वर्ष पीछे खिसक जाते हैं। इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, खतरा बराबर संकट गुणित असुरक्षा। संकट जो है वो असुरक्षा को बढ़ाता है और उसको डिवाइड करना है क्षमता से। अगला प्रश्न है, भारत में आपदाओं या संकट का वर्गीकरण किस प्रकार किया जा सकता है, संक्षिप्त में स्पष्ट कीजिए। अथवा यह प्रश्न इस तरह भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, आपदा के प्रकारों का उल्लेख कीजिए अथवा आपदाओं से क्या तात्पर्य है, यह कितने प्रकार की होती है। इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरह लिखेंगे, भारत में कई प्रकार के संकट देखे गए हैं जो हमारे लिए व्यापक चिंता का कारण है। संकटों की सूची बहुत लंबी है, इनका वर्गीकरण कई प्रकार से किया जा सकता है।
आपदाओं या संकटों का वर्गीकरण निम्नानुसार है। पहला, आकस्मिक संकट। इसमें हम लिखेंगे भूकंप, सुनामी लहरें, ज्वालामुखी विस्फोट, भूस्खलन, बाढ़, चक्रवात, हिमस्खलन, मेघ विस्फोट इत्यादि, अर्थात ऐसे संकट अचानक उत्पन्न होते हैं। दूसरा, ऐसे संकट जो धीरे धीरे प्रकट होते हैं, जैसे सूखा, ओले, पर्यावरण अवक्रमण, मरुस्थलीकरण इत्यादि। तीसरा, औद्योगिक या प्रौद्योगिक दुर्घटनाएं। इसमें प्रणालीगत खराबी, आग, विस्फोट, रासायनिक रिसाव इत्यादि आते हैं। चौथा है महामारी। इसमें जल खाद्य आधारित रोग, संक्रामक रोग इत्यादि शामिल हैं। और पांचवा संकट है युद्ध। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक आपदाएं व मानवकृत आपदाएं क्या हैं, स्पष्ट कीजिए। इसमें हम सबसे पहले प्राकृतिक आपदाएं लिखेंगे। इसमें हम लिखेंगे सूखा, बाढ़, भूकंप, भूस्खलन एवं सुनामी। वे समस्त घटनाएं हैं जो प्रकृति में विस्तृत रूप से घटित होती हैं और जिनका प्रभाव विनाशकारी होता है। मानवकृत आपदाओं में हम लिखेंगे आणविक, जैविक एवं रासायनिक बम विस्फोट, प्राकृतिक आपदाएं या संकट। मानवकृत आपदाएं वे संकट हैं जो मानवीय महत्वाकांक्षा व प्रयासों से संबंधित हैं तथा इनके प्रभाव विनाशकारी होते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, सूखा आपदा के लिए प्रमुख उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं। इसका उत्तर हम इस तरह लिखेंगे, सूखा एक प्राकृतिक आपदा है। सूखे की स्थिति हेतु मुख्य उत्तरदायी कारक निम्नलिखित है। इसमें पहला, भूमि प्रबंधन की उपेक्षा। दूसरा, सिंचाई के पारंपरिक स्रोतों जैसे तालाब, कुओं और टंकी की उपेक्षा। तीसरा, सामुदायिक वनों का विनाश। चौथा, वन विनाश से प्राकृतिक जल धाराओं का सूखना, वर्षा कम होने से भूमिगत जल स्तर का नीचे जाना, नदियों के जल स्तर का गिरना। पांचवा, अनिश्चित क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था का अस्त व्यस्त होना। छठा, फसल चक्र में तीव्र परिवर्तन। सातवा, वातावरण के आपसी संबंध टूटने से कृषि उद्योग एवं घरेलू कार्य में पानी की मांग में अभूतपूर्व वृद्धि। आठवा, जल संसाधनों के दोहन की दोषपूर्ण व्यवस्था। अगला प्रश्न है, भारत में सूखा प्रभावित प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं। इसका उत्तर हम इस तरह लिखेंगे, भारत में सूखा आपदा से प्रभावित क्षेत्र प्रमुखतया निम्नलिखित हैं। पहला, राजस्थान क्षेत्र। राजस्थान के शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्र जिनमें प्रति दो वर्षों में सूखा पड़ता है। दूसरा, गुजरात, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, रायलसीमा और तेलंगाना क्षेत्र में लगभग तीन वर्षों में सूखा पड़ता है। तीसरा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी कर्नाटक तथा विदर्भ क्षेत्र में औसतन चार वर्षों में सूखा पड़ता है। चौथा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, केरल, बिहार और उड़ीसा में औसतन प्रति पाँच वर्षों में सूखा पड़ता है। अगला प्रश्न है, बाढ़ के प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। इस उत्तर को हम इस तरह लिखेंगे, बाढ़ एक विनाशकारी आपदा है। मानव जीवन को बाढ़ निम्नलिखित प्रकार से प्रभावित करती है। पहला, संपत्ति की हानि। इसमें हम लिखेंगे, तेज गति से बहने वाले पानी के कारण भवनों को हानि पहुँचती है। कमज़ोर नींव के ऊपर बने भवन बाढ़ के कारण ढह जाते हैं, जान माल को खतरा हो जाता है। दूसरा, मृत्यु तथा जन स्वास्थ्य। बाढ़ में डूबने से लोगों और मवेशियों की मृत्यु हो जाती है। महामारी, अतिसार, विषाणु संक्रमण तथा मलेरिया जैसे रोगों का फैलाव आम बात है। तीसरा, जल आपूर्ति में व्यवधान। बाढ़ के कारण पीने का पानी दूषित हो जाता है, जिससे पीने के स्वच्छ पानी का अभाव हो जाता है। चौथा, फसलें एवं खाद्य आपूर्ति। अचानक आने वाली बाढ़ों से फसलें तथा भंडारित अनाज खराब हो जाते हैं। पांचवा, मृदा संरचना में परिवर्तन। बाढ़ से मृदा के गुण बदल जाते हैं। ऊपरी सतह के अपरदन के कारण मृदा कम उपजाऊ हो जाती है। समुद्री जल के कारण भूमि लवणी हो जाने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। अगला प्रश्न है, भूकंप के प्रभाव बताइए। इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरह लिखेंगे, भूकंप से बड़े पैमाने पर हानि होती है। यदि यह अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र में आता है तो जान माल की भारी क्षति होती है। संचार और यातायात के साधन नष्ट हो जाते हैं। उद्योग एवं विकास के कार्य में बाधा पहुँचती है।
रास्ते अवरुद्ध होने से लोगों की सहायता करने में बाधाएं आती हैं। इसके प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित हैं। पहला, भौतिक हानि। दूसरा, मानव एवं जीव जंतु की मृत्यु। तीसरा, जन स्वास्थ्य पर प्रभाव। चौथा, जल आपूर्ति प्रभावित। पांचवा, परिवहन नेटवर्क में बाधा। तथा छठा, विद्युत आपूर्ति और संचार सेवा में बाधा। अगला प्रश्न है, भूकंप के दुष्प्रभाव को कम करने के उपाय बताइए। इसका उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे, भूकंप के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए निम्न उपाय करने चाहिए। पहला, भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भवनों का डिज़ाइन व वास्तुकला इंजीनियरी के सहयोग से होना चाहिए। भवन निर्माण से पहले मिट्टी की किस्म का विश्लेषण कराना उपयुक्त होता है। नरम मिट्टी के ऊपर मकान नहीं बनाए जाने चाहिए। मुलायम मिट्टी पर निर्माण कार्य करने के लिए भवन डिज़ाइन में सुरक्षा उपाय अपनाए जाने चाहिए। दूसरा, भारतीय मानक ब्यूरो ने भूकंप रोधी इमारतों के निर्माण संबंधी नियम तथा दिशा निर्देश जारी किए हैं। हम सभी को उनका पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। तीसरा, अस्पतालों, विद्यालयों तथा दमकल केंद्र का निर्माण भूकंप से सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। चौथा, वास्तुकारों, बिल्डरों, ठेकेदारों, डिजाइनरों, सरकारी अधिकारियों, समान मालिकों के लिए संवेदीकरण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के द्वारा जागरूकता विकसित की जानी चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरह लिखेंगे, भारत में भूस्खलन आपदा के प्रमुख क्षेत्र हैं। पहला, अत्यधिक प्रवण क्षेत्र। इसमें हम लिखेंगे, अस्थिर हिमालय पर्वत की युवा श्रृंखलाएँ, अंडमान और निकोबार, पश्चिमी घाट और नीलगिरी के अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, भूकंप प्रभावित क्षेत्र और अत्यधिक मानव क्रियाकलाप वाले क्षेत्रों को जिनमें सड़क और बांध निर्माण आदि शामिल हैं, अत्यधिक भूस्खलन वाले क्षेत्रों में रखे जाते हैं। अगला, अत्यधिक सुवेद्यता क्षेत्र। इसमें हम लिखेंगे, अधिक प्रवण क्षेत्र अत्यधिक प्रवण क्षेत्रों से मिले हैं। हिमालय क्षेत्र के सारे राज्य और उत्तर पूर्वी भाग जिसमें असम राज्य को छोड़कर इस क्षेत्र में शामिल हैं। तीसरा, मध्यम और कम सुमेध्यता क्षेत्र। इसमें हम लिखेंगे, हिमालय के कम वृष्टि वाले क्षेत्र लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में स्फीति अरावली पहाड़ियों के कम वर्षा वाले क्षेत्र, पश्चिमी व पूर्वी घाट, दक्कन पठार के वृष्टि छाया क्षेत्र, ऐसे इलाके हैं जहाँ कभी कभी भूस्खलन होता है। इनके अलावा झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा और केरल में खदानें और भूमि धंसने से भूस्खलन होता रहता है। दीर्घ उत्तरी तीसरा प्रश्न है, सूखा और बाढ़ में क्या सामान्य है? किस प्रकार उचित योजना के द्वारा सूखे और बाढ़ की स्थिति को नियंत्रित किया जा सकता है? विवेचना कीजिए। अथवा यह प्रश्न परीक्षा में इस तरह भी पूछा जा सकता है, सूखा आपदा से निपटने के लिए कोई चार उपाय लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले हम सूखा और बाढ़ में क्या समानता है यह बताएंगे। इसमें हम लिखेंगे, भारत की विशालता और भौतिक विभिन्नता के कारण यहाँ बाढ़ एक सामान्य आपदा है। देश में वर्षा का 80% से अधिक भाग मानसून द्वारा प्राप्त होता है। मानसूनी वर्षा की कमी या अधिकता क्रमशः सूखे या बाढ़ को जन्म देती है। अब हम सूखे के दुष्प्रभाव को कम करने के उपायों पर नज़र डालेंगे। इस दिशा में निम्नलिखित कदम प्रभावशाली हो सकते हैं। पहला, सूखे पर नज़र रखना। इसके अंतर्गत वर्षा पर निरंतर नज़र रखना, पानी के संग्रह स्थलों में पानी की मात्रा पर नज़र रखना तथा उपलब्ध जल की मात्रा की उसकी आवश्यक मात्रा से तुलना आदि को सम्मिलित किया जाता है। दूसरा, जल संरक्षण। इसमें घरों तथा कृषि क्षेत्रों में वर्षा के पानी को संचित किया जाता है। यह उपलब्ध पानी की मात्रा को बढ़ा देता है। जल संचय वर्षा के पानी को निचले क्षेत्र या तालाबों आदि में एकत्र करके या इसे पृथ्वी के अंदर अवशोषित कराकर किया जाता है। इससे कृषि के लिए उपलब्ध पानी की मात्रा बढ़ जाती है। तीसरा, सिंचाई के साधनों को बढ़ाना। इसमें हम लिखेंगे, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार सूखे से असुरक्षा को कम करता है। चौथा, वनारोपण। इसमें हम लिखेंगे, वन आरोपण या वृक्ष लगाने का कार्य बड़े पैमाने पर किया जाना चाहिए।
जिससे वर्षा के पानी को व्यर्थ में बहने से रोका जा सके, वर्षा को आकर्षित किया जा सके। पांचवा, आजीविका योजना। इसके अंतर्गत हम लिखेंगे, सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए खेती से हटकर रोजगार के अवसर बढ़ाना, सामुदायिक वनों से गैर कास्ट वन उपज संग्रह करना, बकरी पालन, बड़ाईगिरी करना आदि शामिल है। दीर्घ उत्तरी प्रश्न का अगला प्रश्न है, रासायनिक आपदाएं क्या हैं? प्रमुख रासायनिक आपदाओं के उदाहरण देते हुए रोकथाम के उपाय बताइए। इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे, औद्योगिक व रासायनिक आपदाएं मानव प्रदत्त आपदाएं हैं। इनकी शुरुआत बड़ी तेजी से बिना किसी चेतावनी के हो सकती है। रासायनिक गैस रिसाव, मानवीय गलती, प्रौद्योगिक खराबी तथा प्राकृतिक क्रियाकलापों से हो सकती है। हम उदाहरण देंगे, रासायनिक गैस रिसाव 2-3 दिसंबर 1984 भोपाल में घटने वाली अभी तक की सबसे विनाशकारी औद्योगिक रासायनिक आपदा है। यह त्रासदी एक प्रौद्योगिकी घटना का परिणाम थी। इसमें हाइड्रोजन साइनाइड तथा अन्य अभिकृत उत्पादों सहित 4-5 टन मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसे MIC भी कहा जाता है, नामक अत्यंत जहरीली गैस यूनियन कार्बाइड के कीटनाशक कारखाने से रात 12 बजे रिसी और हवा के साथ चारों तरफ फैल गई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इससे लगभग 3600 लोग मारे गए और अनेक रोगग्रस्त हो गए। रासायनिक आपदाओं के रोकथाम के उपाय इस तरह लिख सकते हैं, पहला, खतरनाक रसायनों के उपयोग, भंडारण तथा बचाव के तरीके से संबंधित जानकारी सरल भाषा में आम नागरिक तक पहुंचाना। दूसरा, रिहायशी क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्र से अलग एवं दूर रखा जाना चाहिए। औद्योगिक व आवासीय क्षेत्रों के मध्य हरित पट्टी होनी चाहिए। तीसरा, दुर्घटना की स्थिति का सामना करने की समझ विकसित करने हेतु समय समय पर नकली अभ्यास अर्थात मॉक ड्रिल करना चाहिए। चौथा, जहरीली पदार्थों के भंडारण की क्षमता सीमित होनी चाहिए। पांचवा, अग्निरोधी चेतावनी प्रणाली में सुधार करना चाहिए। छठा, उद्योग के लिए बीमा और सुरक्षा संबंधी कानून सख्ती से लागू होने चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत के रेखाचित्र पर अपने रहने की स्थिति को बिंदु के द्वारा दर्शाइए। उसमें भूकंप प्रभावित मुख्य क्षेत्र, सूखा, बाढ़, भूस्खलन एवं सुनामी प्रभावित प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित संभावित क्षेत्र को दर्शाइए। यह प्रश्न आपको आपकी स्क्रीन पर दर्शाया जा रहा है नक्शे के द्वारा। आप उसको अच्छी तरह से समझकर और उसका अभ्यास कर सकते हैं और उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दीर्घ उत्तरी अगला प्रश्न है, आपदा प्रबंधन पर एक लेख लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे, आपदा प्रायः एक अनापेक्षित घटना है। यह ऐसी ताकतों से घटित होती है जो मनुष्य के नियंत्रण में नहीं है। यह थोड़े समय में बिना चेतावनी के घटित होती है, जिसकी वजह से मानव जीवन के क्रियाकलाप अवरुद्ध हो जाते हैं और बड़े पैमाने पर जान माल की हानि होती है। आपदा पश्चात रहने के स्थान, भोजन, कपड़ा, सामाजिक एवं चिकित्सा जैसी सहायता में बाहरी सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। लंबे समय तक भौगोलिक साहित्य आपदाओं को प्राकृतिक बलों का परिणाम मानता रहा है तथा मानव को इनका अबोध एवं असहाय शिकार। परंतु प्राकृतिक बल ही आपदाओं का एकमात्र कारक नहीं है। आपदाओं की उत्पत्ति का संबंध मानव क्रियाकलापों से भी है। कुछ मानवीय गतिविधियां तो प्रत्यक्ष रूप से इन आपदाओं के लिए उत्तरदायी है, जैसे भोपाल गैस त्रासदी, चेरनोबिल नाभिकीय आपदा, युद्ध, CFC अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस वायुमंडल में छोड़ना, ग्रीन हाउस गैसें, ध्वनि, वायु, जल, मिट्टी संबंधी पर्यावरणीय प्रदूषण। कुछ मानवीय गतिविधियां परोक्ष रूप से आपदाओं को बढ़ावा देती हैं, जैसे वनों के विनाश से भूस्खलन और बाढ़। यह सामान्य सत्य है कि पिछले कुछ वर्षों में मानवीकृत आपदाओं की संख्या और परिणाम दोनों में ही वृद्धि हुई। ऐसी घटनाओं से बचने के लिए प्रयत्न भी किए गए। इस संदर्भ में अब तक सफलता नाम मात्र ही हाथ लगी, परंतु इन मानवीकृत आपदाओं में से कुछ का निवारण संभव है। इसके विपरीत प्राकृतिक आपदाओं पर रोक लगाने की संभावना बहुत कम है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है इनके प्रभाव को कम करना और इनका प्रबंध करना। इस दिशा में विभिन्न स्तरों पर कई प्रकार के ठोस कदम उठाए गए हैं, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना 1993 में रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में भू शिखर सम्मेलन और मई 1994 में
याकोहोमा जापान में आपदा प्रबंध पर संगोष्ठी आदि प्रयास प्रमुख हैं। अब हम यहाँ पर उत्तर में आपदा प्रबंधन की मुख्य बातें लिखेंगे। आपदा प्रबंधन चार बातों को महत्व देती है। पहला, पहले से तैयारी। दूसरा, जवाबी कार्रवाई। तीसरा, सामान्य जीवन स्तर पर लौटना और पुनर्वास। और चौथा, रोकथाम और दुष्प्रभाव को कम करने के लिए योजना। इन चारों बिंदुओं का डिटेल या विवरण या विस्तार हमें हमारी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 109 और 110 पर मिल जाएगा। वहाँ से आप इसे लिख सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आशा करती हूँ कि इस अध्याय के आप इन सभी प्रश्नों को अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और परीक्षा के लिए इनका अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।